चिचोरे डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, स्टारिंग सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, नवीन पुली शेट्टी, तुषार पांडे और रंजन राज। चिचोरे को मैंने देखते ही उस दिन तुरंत थिएटर से ही रिव्यू कर दिया था, करीब 2.5 मिनट का क्विक रिव्यू। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा कि फिल्म हर तरीके से परफेक्ट लगी मुझे, चाहे डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेस हो, या टेक्निकल बातों को लीजिए, या फिर फिल्म का जो मैसेज है, फिलोसॉफी है, मुझे फिल्म हर तरीके से परफेक्ट लगी। हाँ, एक बात से मैं इस फिल्म के एग्री नहीं करता हूँ, उसके बारे में भी मैं बाद में आपको बताऊंगा ही, पर आज हम इस वीडियो में मुख्यतः इस फिल्म के मैसेज के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं ये समझकर चल रहा हूँ कि आपने ये फिल्म देखी हुई है, और मैं इस फिल्म की स्टोरी को दोबारा से यहाँ पर पूरा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फिर फिल्म वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक संक्षेप में मैं कहानी आपको बस बता देता हूँ। यहाँ पर एक बेटा जो एक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता, उसमें वो फेल हो जाता है, इस वजह से निराश होकर फेल्योर की वजह से या लूज़र का टैग अपने सर पर लग जाएगा, इस वजह से वो आत्महत्या की कोशिश करता है। उस वजह से उसकी हालत अभी बहुत गंभीर है। तो उसके पिता यानी अनिरुद्ध, वो अपने बेटे को उनके कॉलेज लाइफ के समय की कहानी, उनका अनुभव बताते हैं, और अपने बेटे के मन से इस निराशा को या वो जो जीवन जीने की जो इच्छा वो पूरी तरीके से खो चुका है, उस निगेटिव थॉट्स को, उन निगेटिव विचारों को वो अपने अनुभव के जरिए दूर करने की कोशिश करता है एक पिता। और इसके लिए वो फिर अपने फ्रेंड्स को भी वहाँ पर बुला लेता है हॉस्पिटल में, वो सब मिलकर राघव को यानी अनिरुद्ध के बेटे को वो अपने कॉलेज लाइफ का अनुभव बताते हैं, और बताते कि देखो भाई, तुम एक लूज़र के टैग से डर रहे हो एक एंट्रेंस एग्जाम की वजह से। भाई, हम तो उसी हॉस्टल में रहते थे जो लूज़र्स के नाम से प्रसिद्ध था, और उस लूज़र के टैग को हटाने के लिए हमने एक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन में पार्ट भी लिया, उसमें भी हम हार गए, लेकिन उसकी वजह से कोई जीवन रुक नहीं गया हमारा। वो एक बस समय था, वो चला गया, उसकी वजह से आज हमारे जीवन पर कोई असर नहीं हुआ है, उल्टा हमारे अंदर एक लड़ने की ताकत आई। तो लूज़र से फाइटर बनाने की कोशिश वो अपने बेटे को यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म ये बताने की कोशिश करती है कि देखिए, जो आजकल की नई जनरेशन है, जो छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, छोटी छोटी मुसीबतों में, जीवन के उतार चढ़ाव में, प्रॉब्लम्स में वो तुरंत हार जाते हैं, उनसे फेस करने की ताकत उनमें नहीं बची है, तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पेरेंट्स देखें, हमारे पहले की जनरेशन अगर हम देखें, तो उनके जीवन में साधन सामग्री भी बहुत कम थी, सुख सुविधाएं बहुत कम थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में, और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कठोर व्यवहार करते थे उनके साथ में, जिसे लिबरल्स ऑर्थोडॉक्स वगैरह कहते थे, काफ़ी डांटते भी थे वो अपने बेटों को, लेकिन फिर भी जीवन की मुसीबतों को फेस करने की, उनका सामना करने की क्षमता उनमें हमसे कई गुना ज़्यादा थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है पिछले कुछ सालों में कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो तुरंत डिप्रेशन में चली जाती है, तुरंत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, किसी की थोड़ी सी डांट को भी वो सहन नहीं कर पाती, आखिर ऐसा क्या हो गया है? देखिए, इसके पीछे की दो सबसे मुख्य वजह है। एक तो है कि हम अपने शास्त्रों के, अपने गीता के ज्ञान से, अपने वेदों के ज्ञान से हम दूर हो गए हैं, जिस वजह से हम अपने जीवन के बेसिक्स को ही क्लियर नहीं कर पाते, ये सबसे मुख्य वजह है। और दूसरी वजह है जो टीनेज ड्रामास, कमिंग ऑफ एज फिल्म्स जो आजकल आ रही है, या जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर फिल्म्स, कंटेंट, वेब सीरीज जो भी हो वो हम देखते हैं, उस वजह से वो जो बातें उसमें हम देखते हैं, वही हम उसी प्रकार से अपने आप को उसमें ढालने लगते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आप को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, 13 Reasons Why, वो भी एक सुसाइड अटेम्प्ट पर ही, उसी पर, सुसाइड पर ही पूरी वेब सीरीज है। एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट सीजन अच्छा था, लेकिन वो सीरीज़ क्या जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि अगर आपको कॉलेज में अच्छा माहौल नहीं है, कोई आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर आपके साथ में कोई व्यवहार नहीं कर रहा, तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप परेशान हो जाओ और सुसाइड कर लो। और उस सुसाइड को जस्टिफाई करने के लिए फिर आखिरी एपिसोड में जो कैरेक्टर सुसाइड करती है लड़की, उसका रेप होते हुए उन्होंने दिखाया है, ताकि पहले के 11-12 एपिसोड्स में उन्होंने जो दिखाया है उन बातों को जस्टिफाई किया जा सके। यानी अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, अपने निगेटिव थॉट्स के लिए बाहर की परिस्थितियों को दोष देना, या इसके अलावा आप फॉर्मर शॉर्ट्स प्लीज का उदाहरण लीजिए, उसमें जो एक ओवरवेट, थोड़ी सी वजन जिसका ज़्यादा है उन चार लड़कियों में से, वो जो कैरेक्टर है उसकी माँ उसे बार बार डाइट करने के लिए कहती है और बार बार उसे टोकती रहती है, इस प्रकार से उस माँ के कैरेक्टर को दिखाया है। इस वजह से क्या होता है, वो लड़की
उसको डिप्रेशन में जाते हुए दिखाया कि बस माँ डांट रही है मुझे, माँ मुझे बोल रही है, तो वो डिप्रेशन में चली गई और क्या किया डिप्रेशन में जाकर, सेक्सी बॉर्ड्स नाम, सेक्सी बॉर्ड्स ऐसी कोई एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पर जाकर वो अपने कपड़े उतार कर अपना स्किन शो करने लगती है और वहाँ से जो झूठी प्रशंसा जो झूठी प्रशंसा वहाँ पर उसे मिलती है उससे वो खुश होने लगती है। यानी पेरेंट्स की डांट उसे तकलीफ देती है लेकिन ये झूठी प्रशंसा उससे वो एक क्षणिक सुख की तरफ जाने का एक मैसेज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसी वेब सीरीज देती है जो बहुत खतरनाक है। या उड़ान जैसी फिल्म, पेरेंट्स डांट दे, सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने के लिए कहे, या वो कांति शाह के अंगूर देखकर अगर हॉस्टल से भागे तो और कॉलेज निकाल दे, और उसके बाद अगर पेरेंट्स डांटे या वो डिसिप्लिन की बात करें तो उनको मुक्का मार दो और भाग जाओ, और उसके लिए उस पिता के पात्र को बहुत राक्षस और हैवान की तरह उसमें दिखाया, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, जब तक हम अपने अंदर के निगेटिव थाट्स के लिए, अपने अंदर के जो विचार है, अपने अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसके लिए जब तक हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देंगे, तब तक हम कभी भी अपनी परेशानियों से दूर नहीं जा सकते, हम अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उनकी सोच ऑर्थोडॉक्स है, क्या फैमिली वैल्यूज, इन मॉरल वैल्यूज की वजह से हम परेशान हैं, एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम परेशान हैं, इस सोशल सिस्टम की वजह से हम परेशान हैं, मेरे साथ कॉलेज में कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, तो चले जाओ डिप्रेशन में, हो जाओ परेशान। ये सब देख देख कर हमें पता नहीं चलता कि कब हमें बदलाव हो रहा है, कब हम इसी प्रकार से सोचने लगते हैं, हमारे अंदर मुसीबतों को फेस करने की ताकत नहीं रहती, हमारे अंदर किसी की डांट सहने की तक क्षमता नहीं रहती। कोई अगर हमें फैमिली वैल्यूज की बात करे, कोई अगर हमें जीवन में संयम और सदाचार की बात करे, तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। ये आजकल की नई जनरेशन है। आप देखिए कितना हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी सोच में बदलाव आ गया, कि कितनी छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है। देखिए, एक सबसे बड़ा जीवन का जो सिद्धांत है, जीवन में कौन सा व्यक्ति सबसे यशस्वी होता है, जो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने के बाद भी जो सम रहता है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर उसको हिला नहीं पाती, वही व्यक्ति जीवन में सबसे यशस्वी होता है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, तुरंत डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड के विचार उसके अंदर अगर आते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। देख लीजिए, जो भी बहुत यशस्वी जीवन में हुए हैं उनकी लाइफ को आप देखिए, ज़्यादातर लोग जिन्होंने कुछ जीवन में करके दिखाया, अपना कोई अस्तित्व जिन्होंने निर्माण किया है, वो ज़्यादातर 10वीं फेल या बहुत कम मार्क्स थे, या बहुत कठिनाइयों से, परिश्रम से, परेशानियों से उनका जीवन बीता है, और उन कठिनाइयों से जूझने की वजह से, उनका सामना करने की वजह से जो एक आत्मबल का उनके अंदर विकास हुआ है, जिस एकाग्रता का, अनजाने में ही जो संयमी जीवन उन्होंने जिया है, उस वजह से वो जीवन में यशस्वी हुए हैं। भाई, मेरे पेरेंट्स मुझे 11 बजे तक पार्टी में नाचने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, या वो बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, या मुझे ड्रिंक करने की वजह से, या मैं जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हूँ, मेरी मर्जी, और वैसा मेरे पेरेंट्स मुझे जीने नहीं दे रहे, या समाज मुझे ऐसा जीवन जीने नहीं दे रहा, इस वजह से मैं परेशान हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ, चलो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, ये समाज ऐसा ही है, ये जब तक कोई सोचता है ना, तब तक वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, अपनी परेशानियों से दूर नहीं जा सकता, जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को दोष देते हैं। नहीं, अगर कोई दुख है तो दुख क्या है, हमारे विचार ही तो है, हम सोच ही तो रहे ना कि यार कोई निगेटिव विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, दुख के विचार आ रहे हैं, सुख के विचार आ रहे हैं, कोई भी थॉट्स है तो वो हमारे अंदर है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो तो कोई भी परेशानी हमें परेशान कर ही नहीं सकती, दुखी कर ही नहीं सकती। और यही बेसिक्स, जीवन के बेसिक्स, हमारे शास्त्र, गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान हमारी इन बेसिक्स को क्लियर करता है, लेकिन हम उससे ही दूर हो गए। अब दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण बार 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 कौन सी बात कहते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या फिर सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यानी सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, मान हो चाहे अपमान हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति सम रहता है वही परम योगी है। ये बात भगवान श्री कृष्ण बार 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 कहते हैं, यही बात हमारे वेद बार बार कहते हैं कि बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए। असर नहीं होना चाहिए मतलब बस पत्थर के जैसे ऐसे खड़े हो जाओ और बस, इसको नहीं कहते हैं कि असर नहीं हो रहा, नहीं,
असर नहीं हो रहा, मतलब हमारे मन में ये जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो ये विचार आते हैं, चाहे वो सुख के विचार हो, दुख के विचार हो, डिप्रेशन के विचार हो, वो विचार हम है ही नहीं। शरीर और मन से हम अलग हैं, जहाँ से ये विचार उठते हैं वो तत्व हम हैं। ये जो बेसिक्स है, देखिए अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो ना कि भाई बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए, या जीवन जीने की क्या कला है, ये बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या आप शिक्षक हो या फिर आप कोई नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप एक जगह बैठकर ध्यान लगाकर कोई योगी ही क्यों ना हो, आप एक जगह पर बैठकर ध्यान भी लगाएंगे तो भी मन के अंदर जो उथल पुथल है, विचार है, उस वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं कि यार मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। वहां पर भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि मन बुद्धि के साथ में वो जुड़ा हुआ है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो 1,000 साल तपस्या करता है, 100 साल तपस्या करता है, या जो खाना पीना छोड़ देता है, या इतने उपवास करता है, उतने उपवास करता है, तब वो परम योगी बनता है। नहीं, इतनी छोटी सोच हमारी संस्कृति की नहीं है। जो व्यक्ति सम रहता है, ये समत्व योग, ये भी बीत जाएगा, इन सारी परिस्थितियों का कोई मतलब ही नहीं है, ये बाहरी परिस्थितियां है। ये इतना गहरा मनोविज्ञान हमारे शास्त्रों में है, गीता के ज्ञान में है, कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कितनी छोटी छोटी बातों में फंस रहे हैं। देखिए, और भगवान श्री कृष्ण ने केवल ये बात कोई केवल अर्जुन को कहने के लिए नहीं कह दी, उन्होंने खुद अपने जीवन से ये सीख हमें दी है, उन्होंने खुद वैसा जीवन जीकर दिखाया है। इस फिल्म में जो लड़का है राघव, जो एक लूजर के टैग की वजह से डरकर आत्महत्या कर लेता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो छोटी छोटी परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप देख, आप एक लूजर के टैग की वजह से डरते हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो यार उनसे ज्यादा अनलकी जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप पूरा जीवन देखिए भगवान श्री कृष्ण का, उनके जन्म से पहले ही, बस उनकी जन्म की खबर आकाशवाणी में सुनते ही उनके ही मामा ने उनके ही माता पिता को जेल में डाल दिया। उनके पहले के 8 बालकों को, जो जन्म जिनका हुआ भगवान श्री कृष्ण से पहले, उनके ही जो भाई थे उनको पटक पटक कर उनके ही मामा ने मार दिया। किस वजह से? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वजह से, उस खबर की वजह से। उनका जन्म भी जेल में होता है, जन्म होने के तुरंत बाद उसके माता पिता अपने ही बेटे को दूर कर देते हैं। जेल में जन्म होना, जन्म होते ही माता पिता से दूर हो जाना, गोकुल में उनको छोड़ देते हैं, वहां पर भी उनके खुद के मामा बार 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 असुरों को भेजकर उनको मारने की कोशिश करते हैं, बार बार मारने की कोशिश करते हैं। वृंदावन में भी जो बाल लीलाएं थी, उनको चोर कहकर पुकारा जाता था। हर रोज यशोदा माँ के यहाँ पर उनके लिए कितनी सारी शिकायतें आती थी कि यार तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है। हालांकि उसके पीछे उन गोपियों की प्रेमा भक्ति थी, वो बात अलग है, लेकिन देखिए उनका जीवन आप देखिए। चोर कहलाया गया बचपन में ही उनको, 11 साल की उम्र में वो वृंदावन छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने के बाद भी फिर से उनके मामा ने उनको मारने की कोशिश की, और 11 साल के बाद जब वे वृंदावन छोड़कर चले गए, उसके बाद कभी भी वे वृंदावन वापस लौटकर नहीं आए, इतनी अनासक्ति उनमें थी। और तो और वहां से जाने के बाद में, 11 साल के, 11 वर्ष की आयु के बाद में, उनका पूरा जीवन संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा जीवन। बचपन में तो चोर उनको कहा ही गया, उसके बाद भी सेमंतक मनी चुराने का उनको उन पर आरोप लगा। कितनी उनकी निंदा हुई, एक मनी चुराने का आरोप उन पर लगा। इसके लिए भौमासुर नाम के एक असुर से उन्होंने 16,100 जो कन्याएं थी, जो नारियां थी, उस असुर के अत्याचार पीड़ा से उन 16,100 कन्याओं को उन्होंने मुक्त करवाया और उनको अपना आश्रय दिया, द्वारिका में उनको रहने के लिए जगह दी, सम्मान दिया। क्योंकि उस समय एक असुर के यहाँ पर वो बंदी थी महिलाएं, तो समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था। इस वजह से उन्होंने इन 16,100 महिलाओं के जीवन के उद्धार के लिए उनको अपना आश्रय दिया। लेकिन आज भी उस वजह से, देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी, या जो उन्होंने महिलाओं को आश्रय दिया, उस वजह से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को तो कुछ लोग काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। आज भी कितने लोगों की सोच छोटी है, आप ये देखिए। इतना ही नहीं, एक बार भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा तो उसमें भी उन्होंने संकोच नहीं किया, वो रण छोड़कर भाग गए। इतनी सहजता उनके कर्मों में थी, और उनके रण छोड़कर भागने की भी हम जय जयकार करते हैं। रण छोड़ राय की जय हम कहते हैं। जीवन में मुझे यशस्वी ही होना है, सब मुझे महान ही कहे, ये आसक्ति उनके अंदर नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग क्या कहेंगे, या मैं रण छोड़कर भाग रहा हूं तो क्या सोचे। ये इतनी सहज कर्म थे उनके। इतना ही नहीं, वे खुद भगवान, और फिर भी उनके ही पूरे यदुवंश का नाश हो गया, और
उन्होंने जो जब वो स्वधाम उन्होंने गमन किया, स्वधाम को वो जब पधारे, तब भी एक शिकारी का बाण उनके पैरों के तलुए में लगा, इस प्रकार से उन्होंने स्वधाम वे पधारे। तो उनके जीवन, जन्म से पहले से लेकर आखिर तक आप देखिए, क्या इतना अनलकी जीवन आपने किसी का देखा है? इससे ज़्यादा अनलकी जीवन किसी का हो सकता है? लेकिन फिर भी आप देखिए, आज हजारों साल के बाद भी, सैकड़ों सालों के बाद भी, वे दुनिया को मधुरता, प्यार बांट रहे हैं। उनका वो मधुर हास्य देखकर आज भी कितने लोग प्रेमा भक्ति में डूब जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। और उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वो श्रीमद् भगवद गीता आज भी करोड़ों लोगों को जीवन मुक्ति का मार्ग बता रही है। तो बाहरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती कि आपका जेल में जन्म हुआ है, या जन्म होते ही माता पिता से दूर हो गए, या आपकी वजह से आपके पहले 8 भाइयों, मतलब कितना भी अनलकी आपका जीवन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आई हो, आग्रह नहीं, कोई कोई आसक्ति नहीं। ये बेसिक्स हमारा, हमारे वेदों के ज्ञान हमें देता है। और हमारा जो हिंदू सभ्यता है, ये कोई धर्म नहीं है, ये किसी ने शुरुआत नहीं की है कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी हिंदू सभ्यता में, सनातन वैदिक संस्कृति में आए, भगवान श्री कृष्ण भी इसी वैदिक संस्कृति में आए। और ये जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है हमारा, उसी ज्ञान की वजह से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है। प्राप्त होता है ये कहना भी मूढ़ता है, जीव ही शिव है, ये हमारी संस्कृति है, अहम ब्रह्मास्मि। और हमारी संस्कृति में कभी भी बाहरी शरीर कैसा है या आपका रंग कैसा है, इन बातों को कभी भी महत्व नहीं दिया है। भाई हमारे सभी भगवान ही काले हैं, आप देखिए उनके श्याम वर्ण के ऊपर कितनी सारी महिमा है, कितने सारे भजन हैं। और अष्टावक्र मुनि जी का आप उदाहरण लीजिए, बचपन में उन्हें आत्मज्ञान हो गया था, अष्टावक्र ने 8 जगह से उनका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जनक राजा ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके पाँव धोए, उनके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो बाहरी शरीर आपका कैसा है, रंग कैसा है, ये बातें कोई मायने रखती, आत्मज्ञान मायने रखता है। और देखिए हम कितने, हमारे इतनी महान सभ्यता, इतनी महान संस्कृति, उससे हम दूर हो गए हैं। और इस वजह से हमारे जीवन की ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। फिल्म की एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई, वो है मम्मी का कैरेक्टर। देखिए उसे बहुत संयमी बताया है, हस्तमैथुन करने को भी वो पाप समझता है, बहुत सीधा साधा उसे बताया है। और ऐसे संयमी कैरेक्टर को बहुत कमज़ोर शारीरिक रूप से बताया है। सच्चाई तो यह है, जो व्यक्ति संयमी होता है, वीर रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी बल बुद्धि का विकास होता है। और जो व्यक्ति हर रोज वीरनाश करना, पॉन एडिक्ट हो जाना, हस्तमैथुन कर, बार 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 हस्तमैथुन करना, इन बातों की वजह से बल बुद्धि का नाश होता है। हाँ, जो व्यक्ति हफ्ते में एक आध बार करे हस्तमैथुन, जो कहते हैं कि भाई हफ्ते में एक आध बार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हफ्ते में एक आध बार करे तो शायद उसको अपने शरीर पर होने वाला असर पता नहीं चलेगा, पर एक संयम और ब्रह्मचर्य का जो महत्व है, उसका इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक बात जो मुझे सेकंड हाफ में अच्छी लगी, कि वो जो मम्मी का कैरेक्टर है, उसका पूर्ण रूप से मजाक भी नहीं उड़ाया गया, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात फिल्म में बाद में बताई है, वो ये संयम का और त्याग का महत्व। जब उन्हें वो कॉम्पिटिशन, वो चैंपियनशिप जीतनी होती है, तो वे सब अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ है, वस्तु है, उसका त्याग कर देते हैं, और संयमी जीवन वो एक प्रकार से उसके बाद में जीते हैं। तो एक संयम और त्याग का महत्व उसके बाद में बताया है, इस वजह से ये बात मुझे फिल्म की पसंद आई। तो उतना कुछ निगेटिव मैं इस बात को भी फिल्म की नहीं कहूँगा। एक और जो बात मुझे इस फिल्म की सबसे ज़्यादा पसंद आई, कि राघव के सुसाइड के लिए किसी और को दोषी नहीं बताया उन्होंने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने आपको पहले ही कही कि बाहर की परिस्थितियों को दोष देकर फायदा नहीं है। फिल्म में राघव के जो माता पिता है, अनिरुद्ध और श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है, उन दोनों को भी कोई विलन नहीं दिखाया है, निगेटिव नहीं दिखाया है, या वो कोई उस पर फोर्स भी नहीं कर रहे थे कि तुम्हें पास करना ही है, या ऐसा करना ही है, या तुमको इतने परसेंटेज आने ही चाहिए, कुछ भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था। लेकिन फिर भी अपने अंदर के जो निगेटिव थॉट्स है, जो सोच है, उस वजह से वो सुसाइड कर लेता है, समाज के डर की वजह से, कोई मुझे क्या कहेगा, इस चिंता की वजह से, भय की वजह से। और सच्चाई में भी ऐसा ही होता है। और किसी सुसाइड के लिए बस पेरेंट्स को या एजुकेशन सिस्टम को भी दोष देकर, दोष देना हर बार ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं कि नहीं होता, गलतियाँ गलतियाँ हर जगह होती है, लेकिन बार बार बस दूसरों को ही दोष देना और अंदर से अपने आप को नहीं बदलना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। तो हमें अंदर से अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन के बेसिक्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि फिर कोई भी परेशानी आ जाए उसका हम पर असर होना ही नहीं चाहिए।
तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई ये कुछ सारी की सारी बातें कोई छिछोरों में नहीं बताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म का अगर हम सार देखें तो फिल्म का सार यही है कि बाहरी परिस्थितियों को दूसरों को दोष देने की अपेक्षा हमें खुद को अंदर से बदलने की ज़रूरत है, हमारे लूज़र थॉट्स को छोड़कर फाइटर बनने की ज़रूरत है। यही कुल मिलाकर फिल्म का सार है। बाकी इससे रिलेटेड फिर मैंने और भी काफ़ी सारी बातें वीडियो में बताई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। मैं छिछोरे को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।